दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं वो भी अपने घर पे, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वर्कआउट के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक मसल्स पार्ट, जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स हैं सभी की अलग अलग एक्सरसाइजेस बताऊंगा आपको। पूरा होम वर्कआउट बताने वाला हूं कि घर पे आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने होम वर्कआउट से लेके, और आपकी पूरी बॉडी बहुत तेजी से मस्कुलर बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम लोग घर में एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा वर्कआउट है उसे बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिनसे हम धक्का लगाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पुश मसल्स। जैसे हमारी चेस्ट मसल्स, हमारी सीने की जो मसल्स होती है वो हमारी पुश मसल्स होती है। मतलब उस मसल से हम किसी भी चीज को अगर धक्का लगाते हैं तो अपने सीने की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हमारी कंधे की मसल्स, हमारी शोल्डर मसल्स भी हमारी पुश मसल्स होती है। किसी भी चीज को धक्का देना हो, किसी भी चीज को अपने सर से ऊपर उठाना होता है तो हम अपने कंधे की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में तीसरी जो मसल्स है धक्का देने वाली, उसे बोलते हैं ट्राइसेप मसल्स। तो ये तीनों मसल्स को अगर हम एक दिन पे ट्रेन करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। उसी के बाद में हम बात करते हैं पुल मसल्स की। पुल मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज को खींचते हैं। जब भी हम किसी भारी चीज को खींचते हैं अपनी तरफ तो हम अपनी बैक मसल्स, अपनी पीठ की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ में जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो अपने बाइसेप मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने रियर डेल्ट्स यानी कंधे के पीछे के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी खींचने वाली मसल्स यानी पुल मसल्स। इन मसल्स को हम एक दिन में ट्रेन करेंगे एक साथ। उसके बाद में जो लास्ट हमारी मसल्स होंगी वो होंगी लेग्स मसल्स। मतलब हमारी जो पैर है उसकी पूरी मसल्स को हम लेग्स मसल्स बोलेंगे। जब भी हम चलने का काम, उठने बैठने का काम, भारी चीज को पूरे अपने शरीर से उठाने का काम करते हैं तो अपने पैरों की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ में हम एब्स मसल्स भी करेंगे। तो ये जो तीनों मसल्स हैं ये हम अलग अलग दिन पे करेंगे। तो सबसे पहले हम धक्का देने वाली मसल्स यानी पुश मसल्स का वर्कआउट करेंगे, जिसमें पहला वर्कआउट हम करेंगे चेस्ट का, जिसमें हम करेंगे नॉर्मल पुशअप। देखिए नॉर्मल पुशअप तो हम सभी जानते हैं, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप नॉर्मल पुशअप करें तो मिनिमम 12 आप लोग को एक बार में 12 पुशअप करने हैं। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो इनक्लाइन पुशअप करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अपने हाथों को हम ऊंचाई पर रखते हैं और कुछ इस तरीके से पुशअप करते हैं। इसमें भी हमें मिनिमम 12 पुशअप करने हैं। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डीक्लाइन पुशअप, जिसमें अपने पैरों को ऊंचाई पर रखेंगे, हाथों को नीचे रखेंगे और डीक्लाइन पुशअप करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये पुशअप भी हम 12 बार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज में हम करेंगे सबसे पहले पाइक पुशअप, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पाइक पुशअप करने से होता क्या है कि आपका जो कंधा है, आपके जो शोल्डर्स है, वो चौड़े होते हैं और आपकी कंधे की पूरी मसल्स काफी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। पाइक पुशअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसी में कंधे की जो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे सूडो प्लैंक पुशअप। कुछ इस तरीके से हम इसे परफॉर्म करते हैं। पुशअप की पोजीशन में रहना होता है, लेकिन हल्का सा अपने शरीर को आगे ले जाके और इस पुशअप को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को ज्यादा देर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग 1, 2, 3 कितने भी पुशअप लगा सकते हो, लेकिन आपको शोल्डर का वर्कआउट कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद में इस दिन हम तीसरी मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे, वो करेंगे ट्राइसेप मसल्स की, जिसमें हमारा डायमंड पुशअप, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने हाथों को बहुत पास लाके और इस तरीके से पुशअप लगाते हैं। मिनिमम 5 पुशअप करने हैं और मैक्सिमम आपको 12 पुशअप करने हैं इस एक्सरसाइज के। उसके बाद में करेंगे ट्राइसेप डिप्स, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मिनिमम 5 करना है, मैक्सिमम आप लोग को 12 करना है। तो ये तीनों जो मसल्स हैं एक दिन में ट्रेन करेंगे, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। उसके बाद में अगले दिन क्या करना है, सेकंड डे हमें क्या करना है, अपनी बैक मसल्स को और अपनी बाइसेप मसल्स को ट्रेन करना है, जो कि हमारी पुल मसल्स हैं। तो आप लोग बैक के लिए कर सकते हो पुल अप, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पुल अप नहीं कर पाते हो, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, देख लेना, पुल अप करना सीख जाओगे।
उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे पुल रोप। इसमें देखो क्या करना होता है, हमें रस्सी बांधनी होती है और रस्सी के आगे कोई भी ऐसी चीज लगा दो जिसे अपने हाथों से पकड़ सको और इस तरीके से परफॉर्म करोगे। ये हमारी दूसरे दिन की एक्सरसाइज है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको हमें पुल रोप बोलते हैं और इस तरीके से परफॉर्म करना है। मिनिमम 12 बार हमें अपने शरीर को खींचना है, पुल करना है, तो हमारी बैक मसल्स और हमारा शोल्डर का जो पीछे का हिस्सा है कंधे का रियर डेल्ट वो भी इसमें ट्रेन होता है। उसके बाद में बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज होगी चिनअप्स। देखिए चिनअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मिनिमम 5 चिनअप्स आप लोगों को लगाने हैं और मैक्सिमम आप लोग 12 चिनअप्स लगाना। उसके बाद में हम करेंगे बाइसेप कर्ल जो कि हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे पास में डंबल नहीं है घर पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी बैग में या कोई भी भारी चीज उठा के और बाइसेप कर्ल कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम 12 रिपीटेशन लगाने होंगे आप लोगों को बाइसेप कर्ल की। तो हमारा जो दूसरा दिन है उस दिन हमने बैक और अपने बाइसेप को ट्रेन कर लिया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अपने तीसरे दिन की जिसमें हमें अपने पैरों को ट्रेन करना है। देखो लेग्स मसल्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, अगर लेग्स को ट्रेन नहीं करोगे टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा, बॉडी में जो मसल्स है वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगी। लेग्स में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे स्क्वाट्स जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। स्क्वाट्स में अपने हाथों में चाहो तो वेट ले लेना या फिर नॉर्मल भी अगर आप लोग स्क्वाट्स करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिनिमम आप लोग को 15 बार स्क्वाट्स करना है, 15 बार उठना बैठना है। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे काफ के लिए जिसको बोलते हैं काफ रेजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे और मिनिमम आप लोगों को 15 बार इस एक्सरसाइज को करना है, तभी आपके पैरों पे ये असर करेगा। और उसके साथ में जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई, दोनों ही एक्सरसाइज को आपको दो दो बार करना है, मतलब 15 बार आपको स्क्वाट करना है, फिर काफ रेजेस करना है, फिर स्क्वाट्स करना है, फिर काफ रेजेस करना है। तो ये हो गई हमारी लास्ट डे की एक्सरसाइज। उसके साथ में हम इसी में एब्स की भी एक्सरसाइज करेंगे। तो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इस पोजीशन में आप जितनी देर रुक सकते हो अपने शरीर को रोक सकते हो, आपको रोकना है, अपने पेट को एकदम सीधा रखना है, स्क्वीज करके दबा के रखना है, तो आपके ये जो एब्स मसल्स है उस पे काफी तेजी से वर्क करेगा। उसके साथ में बाइसिकल क्रंच करेंगे, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं बाइसिकल क्रंच को। इसे करके भी आप अपने एब्स मसल्स को बना सकते हैं, अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा चौथा दिन होगा उस दिन हम लोग को करना है रेस्ट, और फिर हम लोग को एक दिन पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन वाली जो एक्सरसाइज मैंने बताई इन्हें परफॉर्म करना है, फिर रेस्ट लेना है। इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो घर पे ही आप लोग अपनी सारी मसल्स को ट्रेन कर पाओगे, साथ में उन्हें रेस्ट भी दे पाओगे ताकि वो मसल्स बड़ी बन पाए और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर बन चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फुल वर्कआउट मैंने आपको बता दिया बॉडी का, आप लोग ये करके अपनी मसल्स को बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।